अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? असद सिद्दीक। असद भाई, हाउ आर यू लाइकिंग द इवेंट सो फार? फ्यूचर फेस्ट इज गोइंग सो फार वेरी गुड। बेसिकली माय बैकग्राउंड इज फ्रॉम अ फिनटेक कंपनी। आई एम वर्किंग इन फिंजा एज अ प्रोडक्ट मैनेजर फॉर द लास्ट 5 years। सो यू नो आई हैव सीन मल्टीपल स्टॉल्स वेयर डिजिटल करेंसी एंड ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेथड्स आर यू नो मिटिगेटिंग। सो फार द फ्यूचर फेस्ट इज गोइंग वेरी गुड। आई लाइक द न्यू इनिशिएटिव्स फॉर द कंपनीज। सो Before I get to your company, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अभी भी अच्छी खासी आवाम है जिसको पता ही नहीं है कि फिनटेक होता क्या है। तो ऑल दोस पीपल, आप थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे व्हाट एग्जैक्टली इज फिनटेक? बिल्कुल जी। सो बेसिकली फिनटेक इज यू नो टू डिजिटाइज और टू मिटिगेट द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। लाइक फॉर एग्जांपल यू नो आई हैव सीन मल्टीपल बैंक्स हियर व्हिच आर यू नो फैसिलिटेटिंग और यू नो गिविंग अस द यू नो न्यू इनिशिएटिव्स कि हम हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आए। सो हेयर वी आर प्रमोटिंग दी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि जितनी ज़्यादा डिजिटाइज हो सकें उतना ही बेहतर होता है। यू नो आप कहीं भी बाहर चले जाएँ तो डिजिटल पेमेंट इज़ यू नो यू माइट हैव हर्ड ऑफ NFCs। सो डिजिटल करेंसी इज इथेरियम, बाइनेंस, क्रिप्टो। सो आई थिंक फिनटेक इज द फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान। सो इसका पाकिस्तान में इसका कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रही है, कितना पोटेंशियल है और क्या स्कोप देख रहे हैं आप पाकिस्तान में इसका? देखिए, पाकिस्तान में फिनटेक विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि यहाँ पर आपके रिटेलर्स, किराना स्टोर्स से लेके आपका जो ये डेली फ्लीट्स राइडर्स होते हैं उनके लिए एक चीज़ को मैनुअली कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। सो इट विड बी ईजी टू यू फॉर यू टू मैनेज द करेंसी इन अ डिजिटल वे। इन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर जितना भी आपका सिक्योर हो वो बेहतर होता है। आप आराम सुकून से उसको कहीं भी जाके QR के थ्रू स्कैन कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रास्ट इनिशिएटिव लिया हुआ है। सो यस, रास्ट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव और रास्ट QR जो उन्होंने निकाला है फॉर रिटेलर्स एंड फॉर मर्चेंट्स, इससे आपकी जो डेली की ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं फॉर योर रिटेलर्स एंड मर्चेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रही हैं। अच्छा सर भाई, आपने रास्ट की बात की तो उसमें हम देख रहे हैं कि इशू आ रहा है कि कई ज़्यादा कस्टमर्स की ट्रांजेक्शन फेल हो रही है। आपकी कंपनी किस तरह ऐसे चैलेंजेस को और ऐसे इश्यूज को अवॉइड करती है? वी इन पिंजा आर मैनेजिंग CRM विच इज़ नेम्ड एज पिंजा बिजनेस। बेसिकली इट्स एन ERP जिसके अंदर हमने जो इनिशिएटिव लिया हुआ था वो मेन इनिशिएटिव ये था कि हम इस ट्रेडिशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन को या बैंकिंग जितनी भी ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसको डिजिटाइज करेंगे। उसमें सिर्फ आपके पास एक पोर्टल होगा, उस पोर्टल के अंदर आप जितने मर्जी IBFTs, जितने मर्जी बेनिफिशरीज ऐड करें और आप विद इन नो टाइम उनको जो है ट्रांजेक्शन जो है आप रियल टाइम के अंदर डिस्पर्स कर सकते हैं। रिगार्डिंग द फेलियर इन ट्रांजेक्शन, अभी काफ़ी हद तक लास्ट ईयर हमें काफ़ी ज़्यादा फेलियर फेस हो रहे थे, बट नाउ वी हैव यू नो इनिशिएटेड अ ट्रांजेक्शन इंक्वायरी मैकेनिज्म और इसी तरीके से जो रास्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है। द पॉजिटिव थिंग अबाउट रास्ट इज़ कि वो आपको रियल टाइम के ऊपर जो है उनकी जो हेल्पलाइन है, असिस्टेंस वगैरह होती है वो रियल टाइम के ऊपर प्रोवाइड हो रही होती है। सो आई थिंक द थिंग्स आर यू नो मॉडर्नाइजिंग एंड डेवलपिंग डे बाई डे इन अ वेरी गुड स्पीड। Things are modernizing और क्या कहते हैं डिजिटलाइजेशन हो रही है हर जगह। डिजिटल इज द न्यू वेव। एग्जैक्टली जी। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज फिनटेक गोइंग टू बी और कितना इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करें? सो आई थिंक कि फिनटेक को आपको अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर मॉडर्नाइज और इनिशियल करना चाहिए। जस्ट लाइक यू नो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बूथ नज़र आएंगे जिसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बातें कर रहे हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कंसर्न्स जहाँ पर हम क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है डरते हैं। और तो आई थिंक कि अगर जिस तरह ही जितना हम उसको वेब थ्री हो गया हमारा, जितना भी ये आपकी बाइनेंस की क्रिप्टो करेंसी हो गई है, आप जितना इसको ज़्यादा मॉडर्नाइज करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे, जितना आप उसको एजुकेट करेंगे उतना ही अच्छा हम उसको मैनेज कर सकते हैं।